आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 परवल, जैसे कि मैंने हाफ कट कर लिया है, और आलू इसे भी मैंने हाफ कट कर लिया है, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 छोटी चम्मच घी, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, हींग का पाउडर, तेजपत्ता और हरी मिर्च, नमक, जीरा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा। तो चलिए शुरू करते हैं आलू परवल की सब्जी। कढ़ाई को गर्म करें और सबसे पहले इसमें कुकिंग ऑयल डालें। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, सबसे पहले इसमें परवल डालेंगे। और परवल को हम मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। एक दो मिनट ढक के पकाने के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल हल्का रहे जिससे कि परवल पक जाएगा। मैं इतना ही नमक यूज करना है, तो नमक को अच्छे से मिला लें। वापस से इसे ढक के 2-3 मिनट और पकाएं। तो 2 मिनट हो चुके हैं, मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। अब देख सकते हो परवल का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो इसका गैस का फ्लेम थोड़ा सा और तेज करें और परवल को ब्राउन होने तक 2 मिनट के लिए और फ्राई करें। देख सकते हो परवल फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकालूंगी, तो गैस का फ्लेम सबसे पहले कम करें और फिर परवल को बंद करें। तो परवल हमने फ्राई कर लिया है, इसी कढ़ाई में हम आलू और बाकी मसाले फ्राई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इस तेल में जीरा डालें। तेज पत्तों को ऐसे टुकड़े करके फिर इसमें डालें। जीरा और तेज पत्ता पक चुका है, तो अब इसमें आलू ऐड करें। और आलू के साथ ही हम यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया, अब हमें नमक ऐड करने की जरूरत नहीं है। और आलू को भी 3-4 मिनट के लिए ढक के पकाएं और बीच बीच में चलाते रहें। तो 2-3 मिनट हो चुके हैं, 2-3 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया। आप देख सकते हैं आलू का कलर चेंज हो चुका है। तो अभी इसे प्याज ऐड करते हैं और हरी मिर्च ऐड करते हैं। आलू भी पक जाएगा और प्याज भी फ्राई हो जाएगा, सेपरेट फ्राई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम साथ में इसे पकाएंगे। वापस से इसे ढक के प्याज के पकने तक इसे पकाएं और बीच बीच में चलाते रहें। 1-2 मिनट हो चुके हैं, मैं ढक्कन हटा रही हूँ और आप देख सकते हो आलू और प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैं तो बीच बीच में चला भी रही थी, तो ढकने के बाद ऐसा ना करे कि कुछ छोड़ दिए, तो बीच बीच में चलाते हैं। और अब इसमें सूखे मसाले ऐड करें। तो सबसे पहले हींग, फिर हल्दी, जीरा धनिया पाउडर, सबको अच्छी तरह मिला लें। और जब आप सूखे मसाले डाल रहे हो तो गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखें,
लो फ्लेम पे इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। एक मिनट के लिए वापस से इसे ढक के, जैसे मैंने 1 मिनट के लिए ढक के पका लिया है और मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर डालने के बाद इसे ढकेंगे नहीं, ऐसे ही 1-2 मिनट फ्राई करेंगे और फिर परवल ऐड करेंगे। बीच बीच में चला के 1-2 मिनट के लिए पका लें जिससे कि परवल थोड़ा पक जाए। 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद टमाटर पक चुका है, तो अब मैं इसमें परवल ऐड करूंगी जो हमने पहले फ्राई करके रखा था, और फिर घी ऐड करूंगी। और फिर ये सूखी लाल मिर्च के पाउडर को ऐड करूंगी और इन सबको अच्छी तरह से मिला के वापस से 2 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे लो फ्लेम पे। ढक्कन हटा के देखें कि मसाले फ्राई हुए हैं। देख सकते हैं सारे मसाले और सब्जियां बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसमें बस 1 कप पानी ऐड करूंगी, इससे ज्यादा पानी ऐड ना करें। एक कप पानी मिलाने के बाद इसे ढक के 4-5 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएं लो फ्लेम पे, जिससे सब्जियां अच्छे से पक जाएं। अब देख सकते हो सब्जी तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू भी पक चुके हैं, देखिए आलू भी पक चुके हैं। तो गैस ऑफ करें और इसे एक सर्विंग बाउल में निकालें। तो ये तैयार है आलू पनीर की सब्जी, मसाले वाली सब्जी।